तो ये 5729 साल पुराना महाभारत कालीन मंदिर है, जहाँ से जैसे बच्चों को फोड़े फुंसी खसरा उसरा निकलती है तो उसके लिए झाड़ा लगता है यहाँ पे, और अगले और जल दिया जाता है, एक दिन में ही इतने आराम लग जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम उदयवीर और आपके वीर ब्लॉक वन के दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आया हूँ माता के मंदिर मत्था टेकने। दोस्तों हमारे यहाँ माता मंदिर पड़ता है, बबरे वाले के नाम से मशहूर है। तो दोस्तों आज मैं यहाँ पे मत्था टेकने आया हूँ, और वीडियो में बने रहे दोस्तों, मैं आपको भी दिखाऊंगा और यहाँ की महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। यह आप मेरे पीछे देख सकते हैं दोस्तों, मंदिर है, कितना ऊंचाई का मंदिर है। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में और मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों आइए आपको कराते हैं दर्शन शीतला माता मंदिर के, और चलते हैं। आइए सबसे पहले दोस्तों दर्शन कीजिए भगवान गणेश जी के। ये आप देख सकते हैं गणेश जी की तस्वीर। और आइए अब चलते हैं माता के मंदिर। ये आप देख सकते हैं इस साइड दोस्तों, यहाँ पर देवता भी बने हुए हैं। और आगे चलते हैं तो हम आपको मैन मंदिर में दोस्तों लेकर चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है माता शीतला माता का मैन मंदिर। तो आप देख सकते हैं कितना भव्य नज़ारा दोस्तों यहाँ का है। जय शीतला माता। तो आप भी दोस्तों दर्शन करिए यहाँ पे शीतला माता के। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ का कितना भव्य नज़ारा है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ के महंत जी है, और यहाँ के बारे में हम इनसे जानकारी लेंगे जो माता मंदिर है उसके बारे में। महाराज जी बताओ आप। ये शीतला माता बबरे वाली माता कहते हैं, अर्जुन के बेटे जो है महाभारत काल में अर्जुन के बेटे बब्रुवाहन ने यहाँ तपस्या करी थी, और शीतला माता ने यहीं पे दर्शन दिए थे। तो ये 5729 साल पुराना महाभारत कालीन मंदिर है, जहाँ से जैसे बच्चों को फोड़े फुंसी खसरा उसरा निकलती है तो उसके लिए झाड़ा लगता है यहाँ पे, और अगले और जल दिया जाता है, एक दिन में ही उन्हें आराम लग जाता है। बच्चों को हिंदू मुसलमान दोनों ही बराबर के संख्याओं में आते हैं यहाँ पे। तो ये कहाँ पे स्थान है थोड़ा बताओ हमारे। ये स्थान है मीरापुर के कस्बा मीरापुर से 3 किलोमीटर अंदर, जमालपुर मीरापुर कहते हैं इसे। तो सिकंदरपुर और जमालपुर के बीचों बीच जंगलों में बसी हुई है। तो यहाँ की विशेषता है, जैसे काफी लोग आते हैं। यहाँ की विशेषता, साल में एक बार मेला भरता है यहाँ होली के 7 दिन बाद, जो बसोड़ा कहते हैं, शीतला सप्तमी वाले दिन काफी बड़ा मेला भरता है, लाखों की संख्याओं में लोग आते हैं, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। और जो है इनका माता का प्रसाद जो होता है पूड़े का प्रसाद होता है, बासी प्रसाद रात को बना के सुबह से भोग लगाते हैं। तो लोग दूर दूर से आते हैं, जो उनकी मनोकामना है वो सभी यहाँ पे आके दोस्तों पूरी होती है। बहुत से बच्चों के मुंडन वगैरह भी करते हैं, दूर दराज से आते हैं, बहुत काफी दूर दूर से, दिल्ली तक के बहुत दूर दूर से भी आते हैं। तो आपका धन्यवाद महंत जी, आपने इतनी जानकारी दी, नमस्कार। तो दोस्तों आइए अब चलते हैं इस तरफ माता के जो चारों तरफ है दोस्तों। तो ये देवी के स्वरूप बने हुए हैं जो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इधर चारों तरफ मंदिर के यहाँ के देवी के स्वरूप बने हुए हैं। तो शीशे में जड़ी तस्वीरें आपको भी दिखाएंगे, और ये चारों तरफ दोस्तों देवता इधर बने हुए। तो आइए चलते हैं दोस्तों मंदिर के पीछे की तरफ, और दिखाते हैं आपको जो इसमें शीशे में जड़ी ये तस्वीरें। तो सभी जो है प्रतिबिंब है ये दोस्तों देवी माता के, जो 9 की 9 देवियों के इसमें आपको तस्वीर देखने को आपको दोस्तों मिलेगी। ये आप देख सकते हैं दोस्तों सभी देवियों की यहाँ पे तस्वीर है, और दोस्तों इसकी चारों तरफ की भी पूजा होती है। यहाँ के जो शीतला माता मंदिर है इसके चारों तरफ 9 की 9 देवियों के दोस्तों चित्र बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसी प्रकार इस तरफ भी ये चित्र बने हुए हैं। तो 9 की 9 देवी दोस्तों जो होती हैं माता रानी के, ये सब चित्र बने हुए हैं। दोस्तों अब चलते हैं आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं और भी यहाँ पे मंदिर है। आइए चलते हैं दोस्तों, बने रहे हमारे व्लॉग में। और दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है, जिस भाई ने हमारे इस चैनल को वीर ब्लॉक वन को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज सब्सक्राइब
कर लीजिए। तो हम पहुंचते हैं दोस्तों, यहाँ पे है साईं का मंदिर। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये साईं बाबा का धूना है और आपको साईं बाबा के भी मंदिर के अंदर से दर्शन कराएंगे। आइए चलते हैं इस तरफ मंदिर की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं जो शीतला माता मंदिर है दोस्तों, इसका पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं, कितनी ऊंचाई का मंदिर है। तो ये आप देख सकते हैं, और भी मंदिर बहुत हैं यहाँ दोस्तों। आइए फिलहाल चलते हैं दोस्तों हम साईं बाबा के मंदिर में अंदर, और आपको यहाँ के भी दर्शन कराते हैं दोस्तों। तो ये देख सकते हैं कितना भव्य नज़ारा यहाँ का है। तो साईं बाबा के मंदिर में हम दोस्तों अंदर पहुंच चुके हैं और हमने दर्शन किए। आप भी दोस्तों दर्शन साईं बाबा के दोस्तों करिए। तो आगे हम आए दोस्तों, यहाँ पे एक और माता का मंदिर है, और भी कई मंदिर है दोस्तों यहाँ पे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ आना चाहें तो दर्शन करके ज़रूर जाएं दोस्तों। तो और भी आगे हम आपको चलते हैं और दिखाते हैं इधर का नज़ारा। कुछ इस प्रकार का यहाँ का दोस्तों मंदिर का नज़ारा है। आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई का मंदिर है दोस्तों, और शीतला माता का जो मंदिर है यहाँ पे मेला भरता है। और मंदिर और भी है यहाँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, राधा कृष्ण जी का भी मंदिर है यहाँ पे। तो दोस्तों आप आइए और दर्शन करिए यहाँ का दोस्तों। तो दोस्तों इस ब्लॉग में आपको ये जानकारी दी हमने मंदिर के बारे में। अगर ये ब्लॉग हमारा पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।